अस्सलामुअलैकुम दोस्तों एंड वेलकम टू द हब ऑफ इंफॉर्मेशन। दुनिया के तकरीबन 101 ममालिक में 1 अगस्त से लेकर 7 अगस्त तक ब्रेस्ट फीडिंग डे मनाया जाता है, लेकिन आज भी दुनिया में ब्रेस्ट फीडिंग से रिलेटेड झूठी बातें बनी हुई हैं जिनका नॉलेज में होना बहुत ज़रूरी है। चलिए जानते हैं ब्रेस्ट फीडिंग से रिलेटेड कुछ खास इन्फॉर्मेशन। बहुत से लोगों के जहनों में ये बात बैठी हुई है कि अगर ब्रेस्ट का साइज छोटा है तो मिल्क सप्लाई कम होगी, मगर ऐसा बिल्कुल नहीं होता। सच्ची बात यह है कि ब्रेस्ट फीडिंग के लिए ब्रेस्ट का साइज मैटर बिल्कुल नहीं करता। अगर माँ हेल्दी होगी तो बच्चे को पिलाने के लिए मिल्क सप्लाई इनफ होता है। मिथ नंबर 2 ये है कि ब्रेस्ट फीडिंग सिर्फ बच्चे के लिए ही फ़ायदेमंद होता है, लेकिन सच ये है कि जो माँ बच्चे को ब्रेस्ट फीड करवाती है उसमें ब्रेस्ट कैंसर होने का ख़तरा बहुत कम होता है। मिथ नंबर 3 जो कि बहुत सी खवातीन के जहनों में है कि बच्चे को ब्रेस्ट फीड करवाने से ब्रेस्ट की शेप ख़राब हो जाती है, मगर सच ये है कि इससे शेप में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बल्कि ब्रेस्ट और ज़्यादा हेल्दी हो जाती है। मिथ नंबर 4 ये है कि अगर माँ की तबीयत ख़राब हो तो बच्चे को माँ अपना दूध नहीं पिला सकती, लेकिन सच बात ये है कि माँ की तबीयत ख़राब होने पर भी माँ बच्चे को दूध पिला सकती है। इसका बच्चे की हेल्थ पर कोई भी बुरा असर नहीं पड़ता। मिथ नंबर 5 ये है कि पाउडर वाला मिल्क ब्रेस्ट फीड से अच्छा होता है, लेकिन सच बात यह है कि माँ के दूध में एंटीबॉडी, एंजाइम्स और हार्मोन्स होते हैं जो कि बच्चे के लिए बहुत फ़ायदेमंद होते हैं, जो फार्मूला मिल्क से बहुत बेहतर होता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे ज़रूर लाइक कीजिएगा और ऐसी मज़ीद इंटरेस्टिंग वीडियोज़ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियोज़ की अपडेट से आप वाकिफ़ हो सकें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।